स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज चैनल में। हमारे साथ हैं जनपद जौनपुर के शरद कुमार सिंह जी, उनसे हम जानेंगे जौनपुर के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं और जौनपुर के प्रमुख व्यवसाय क्या हैं, जौनपुर की शिक्षा के क्या क्या प्रबंध रहते हैं, किस किस तरह के वहाँ इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में जानेंगे। स्वागत है शरद जी आपका। जी मैं शरद कुमार सिंह बोल रहा हूँ जी, हमारे तहसील किराका से और क्या बताएं, आपकी जो तहसील पड़ती है वो किराकत पड़ती है। जी जी। ये गांव कौन सा पड़ता है आपका साहब? ग्राम हीरापुर मचाटी जी, पोस्ट बर्डिया है, जिला जौनपुर है जी। तो जरा अपने परिवार के ही बारे में बता दें आप दर्शकों को, क्या क्या व्यवसाय करते हैं? और हमारे यहाँ तो मतलब कृषि है जी। कृषि में क्या क्या, जैसे क्या क्या? जैसे गेहूं है, गन्ना है, धान है, ये फसलें होती हैं। तो किस तरह का माहौल है आपके जौनपुर में? हमारे यहाँ तो ऐसे तो भाजपा की है, माहौल ज़्यादा अच्छा है। नहीं वैसे चोरी डकैती वगैरह का कोई माहौल है इस समय? ना ना, हमारे यहाँ सही है सब। तो जानना चाहेंगे आपके यहाँ जो कोई ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो, जिससे बाहर के लोग भी देखने आते हों? हमारे यहाँ जौनपुर में किला है जी, बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। क्या किसका किला है वो, किस नाम से प्रसिद्ध है किला? जौनपुर का किला है। नहीं कौन राजा थे या क्या किसकी कुछ नाम? अब इतना तो पता नहीं है। आप ये बताइए, आप जिस किराकत तहसील से आते हैं उस तहसील की कोई विशेषताएं बताइए आप। क्या है हमारे यहाँ की, समझ लो आप, मूली प्रसिद्ध है जी। जौनपुरी मूली तो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है हमारे यहाँ की। तो मूली, आलू है जी। जानना चाहेंगे शरद जी, आप कितने भाई हैं, अपने परिवार के बारे में भी बताएं दर्शकों को। हम जो है कि 5 भाई हैं जी। तो आप बरेली कितने समय से आप बरेली में रहते हैं, इसके बारे में भी बताएं। हमें रहते हुए 20 साल हो गया बरेली लगभग। तो आपका बरेली में किस उद्देश्य से आप बरेली आए थे? बरेली ऐसे काम के, अपने बेरोजगारी के मतलब काम के चक्कर में आए थे जी। पिछले 20 सालों से आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमने बहेड़ी भी काम करे, बरेली में भी करे जी, और यहाँ औला में भी करे। इस समय आप क्या कार्य कर रहे हैं? पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। कौन सा पेट्रोल पंप है? जय दुर्गे किसान सेवा केंद्र, राजपुर कला। यहाँ आप कितने समय से काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल यहाँ पे आपको काम करते हुए। तो इस क्षेत्र में आप पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, तो इस क्षेत्र में आपको किन किन कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है? यहाँ भी कोई कठिनाई नहीं है, ना ही कोई परेशानी है। नहीं तेल वगैरह की आप किस तरह से, जब कस्टमर कहीं शिकायत करते होंगे, उन्हें आप कैसे संतुष्ट करते हैं? कि कभी कभी होता होगा कि हमारे लिए पेट्रोल कम दिए, तमाम तरह के ऐसे के कभी? नहीं वैसे तो होता है, कम पेट्रोल डीजल मिलने का कोई प्रश्न ही ना उठता जी। जब कभी कभी इस तरह की कोई बात आ जाती है तो आप कस्टमरों को कैसे संतुष्ट करते हैं? अरे उन्हें तो संतुष्ट करना ही पड़ता है ना। क्या कहते हैं आप? अरे क्या कहना पड़ेगा उसमें। तो शरद जी आप ये बताइए, शिक्षा में जो आपके क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध विद्यालय वगैरह हो उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। अरे जौनपुर यूनिवर्सिटी है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ जी। तो आप के बच्चे वगैरह क्या करते हैं? बच्चे अभी हमारे छोटे छोटे हैं। बच्चे छोटे छोटे, तो अब इस व्यवसाय के अलावा भी कोई व्यवसाय आपके उसमें है करने के लिए? ना इस समय कुछ ना। तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे जौनपुर? जौनपुर जाके आप देखो, किला बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। तो आपने कभी बरेली के बारे में जौनपुर वालों को बताया? बरेली में भी बहुत बहुत प्रसिद्ध चीज़ें हैं, बहुत बहुत स्थान है, इसके बारे में आपने कभी जौनपुर बताया जाकर? अभी नहीं, कुछ ना बताया किसी को। अभी नहीं बताया, बताएंगे। हाँ जाएंगे तो बताएंगे गांव में। देखिए हमारे साथ थे जौनपुर के शरद कुमार जी, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जौनपुर की मूली पूरी इंडिया में प्रसिद्ध है। ऐसे ही लोगों से हम लगातार आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए बरेली देहात न्यूज़ चैनल के साथ। सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें।
कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।